देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे मेंसुरेशन के बारे में। किसके बारे में हम लोग जानेंगे? मेंसुरेशन यानी हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के बारे में, ठीक है। क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़ेंगे 2D के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? 2D, ठीक है। तो 2D में सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो ट्रायंगल में, ट्रायंगल किसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे? ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। ट्रायंगल आपका हो जाएगा, इसका क्या होता है? त्रिभुज। किसके बारे में हम लोग जानेंगे? त्रिभुज के बारे में, समझ गए ना। तो ट्रायंगल मतलब क्या हो गया? त्रिभुज। तो त्रिभुज बहुत तरह से होंगे, होंगे ना। अब क्या क्या हो सकते हैं? या तो विषम त्रिभुज होगा, यानी आपका स्केलस ट्रायंगल होगा, नहीं, या तो आपका होगा आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस मतलब समद्विबाहु, जिसकी दो भुजा बराबर हो, या आपका हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल मतलब क्या होगा? जिस समबाहु त्रिभुज, जो सारे भुजा क्या हो, जिसके आपका बराबर हो, नहीं, या आपका राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल हो सकता है, हो सकता है कि नहीं आपका। तो इस सब ट्रायंगल के बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना है? पढ़ना है उसका क्षेत्रफल, पढ़ना है A to Z पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो स्केलस ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा आपका? विषम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग? विषम त्रिभुज के बारे में, यानी हम लोग पढ़ेंगे स्केलस ट्रायंगल, ठीक है। स्केलस ट्रायंगल मतलब होता है आपका क्या होता है? विषम त्रिभुज। विषम त्रिभुज इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। विषम त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसका सारा साइड अलग अलग हो, समझ गए? ऐसा त्रिभुज जिसका सारा साइड क्या हो? अलग अलग हो, मतलब सारा का डिस्टेंस क्या हो? अलग अलग हो, समझ गए कि नहीं। मतलब कि यहाँ से एक आपका ट्रायंगल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? ट्रायंगल। ये आपका ए है, ठीक है। तो बचपन में पढ़े थे कि इसके सामने जो रहता था वो क्या होता था? स्मॉल ए जो साइड होता था, ये क्या होगा आपका? बी होगा। तो पढ़े थे कि इसके सामने में जो रहता था वो क्या होता था? स्मॉल बी रहता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे सी है तो इसके सामने क्या होता था आपका? सी होता था, नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर आप क्या लिख सकते थे? बी सी लिख सकते हैं। ए बराबर क्या लिख सकते हैं? ए क्या है? तो डिस्टेंस ऑफ बी सी। बी क्या है? तो डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा? ए सी। और आपका यहाँ पे बताइए कि सी क्या है? तो सी है क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा? ए बी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत। चलिए तुम बता दिए कि विषम त्रिभुज किसे कहते हैं? विषम त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका क्या होगा आपका? लिखिए, विषम त्रिभुज, हेडिंग दे दीजिए आपका, क्या हो जाएगा आपका? विषम त्रिभुज। विषम त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। All sides are different length with different angle, with different एंगल। मतलब हम क्या बोले? बोले कि सर ये जितना भी आपका जो त्रिभुज होगा ये जिसका सारा जो साइड होगा, सारा भुजा क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। क्या बोले हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सारे भुजा का लेंथ क्या हो आपका? अलग अलग हो। मतलब अगर इसका अगर 5 रहेगा तो इसका 5 नहीं होना चाहिए, इसका कितना हो जाएगा? 6 होगा। इसका क्या हो जाएगा आपका? 7। अगर ये 5 है, अगर ये भी 5 हो गया तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा आपका? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यानी इसका और सारा एंगल, ये अगर एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी, तो सारा क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी अगर मैथमेटिक्स में हम लोग लिखना है तो लिख सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू
बी सी आर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सी ए। जो कोण ए होगा, कोण ए नॉट इक्वल टू कोण बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा कोण सी। तो उसी को हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे एस्केलस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे हम लोग उसी को, एस्केलस ट्रायंगल। क्या समझ पा रहे हैं आप? यस सर। आगे बढ़ते हैं, अब मेरा जो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या है देखिए, यहां से अब यहां से एक लाइन हम लोग इस पे खींच रहे हैं और कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। जब ये 90 डिग्री खींच रहे हैं तो ये मेरा क्या हो गया, आधार हो गया। ये क्या हो गया, मेरा आधार हो गया। और ये जो इसके लिए किसका काम करेगा, ये किसका काम करेगा आपका, हाइट का काम करेगा। किसका काम करेगा, हाइट। हाइट मतलब क्या हो गया आपका, ऊंचाई। किसका काम करेगा ये, ये काम करेगा ऊंचाई का, सही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि इससे भी तो खींच सकते हैं, तो इससे जब खींचेंगे तो इसके लिए क्या काम करेगा, हाइट का काम करेगा, करेगा ना। तो ये हो गया आधार और ये क्या हो गया, ऊंचाई। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर क्षेत्रफल निकाले, क्या निकाले, क्षेत्रफल मतलब क्या कहेगा निकालने के लिए, एरिया ज्ञात करे, क्या ज्ञात करे, एरिया। तो जो एरिया हो जाएगा, एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। मेरा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से जो एरिया हो जाएगा 1/2 और क्या हो जाएगा आपका बेस, बेस इनटू क्या हो जाएगा आपका, बेस इनटू हो जाएगा हाइट। क्या हो जाएगा, जो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इनटू क्या हो जाएगा, हाइट होगा, सही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब लिखेंगे तो 1/2 और क्या हो जाएगा, आधार, आधार इंटू क्या हो जाएगा आपका, आधार इंटू क्या हो जाएगा आपका, ऊंचाई हो जाएगा, आधार इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई, सही जा रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत। अब देखिए, क्या जरूरी है कि आपका ये हाइट दिया रहेगा, अगर सर हाइट नहीं दिया रहेगा तब हम कैसे निकालेंगे, क्या जरूरी तो नहीं है कि आपका हाइट गिवन रहेगा, गिवन रहेगा नहीं रहेगा। अगर मेरा हाइट गिवन नहीं रहेगा तो बचपन में आप पढ़े होंगे हीरोंस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला होता है, हीरोंस फॉर्मूला। तो जब उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते थे तो वो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा हो गया क्षेत्रफल, क्या था, रूट अंडर एस, एस माइनस क्या था, ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या हो जाता है, सी। अब एस क्या है, तो एस जो है इसका नाम होता है सेमी पेरीमीटर, क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। इसका हिंदी जो हो जाएगा अर्ध परिमाप, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका, अर्ध परिमाप। तो एस बराबर अर्ध परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है कि इसको पूरा नाप दीजिए, नाम से नहीं पता चल रहा है। तो अगर मेरा पूछेगा कि परिमाप क्या होगा सर, तो जो परिमाप होगा यानी पेरीमीटर क्या होगा, तो जो पेरीमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर मतलब नापना, तो नापिएगा कितना है आपका ए, फिर क्या है आपका बी और टोटल क्या हो जाएगा सी। अर्ध परिमाप मतलब कि आधा, टोटल नाप क्या उसको कितना से भाग दे देंगे, दो से भाग देंगे, तो मेरा एस निकल गया कि नहीं, एस आराम से निकल जाएगा। अगला जो है मेरा तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर में क्या रहेगा कि आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, यही ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहां से मेरा कहेगा कि सर इसके अंदर एक सर्कल बना दिए हैं, क्या बना दिए हैं, इसके अंदर क्या बना दिया गया है आपका, सर्कल बना दिया है, इसके अंदर क्या बना दिया गया आपका, सर्कल बना दिया है, ठीक है। तो सर्कल है तो हमको क्या चाहिए, इसका त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए, मतलब क्वेश्चन क्या आपका यहाँ से राइज हो रहा है, समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, राइज हो रहा है कि सर क्या है आपका यहाँ से एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल बना दिए और उसका हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आएगा क्योंकि इसको बचपन वाला था। तो यानी इसको बोलते हैं हम लोग अंतः त्रिज्या, क्या बोलते हैं, यानी इन रेडियस, समझ गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा नंबर जो होता है वो क्या होता है आपका, अंतः
त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका अंत त्रिज्या, ठीक है। इसको हम डिनोटेट करते हैं स्मॉल आर से, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाता है डेल्टा वाई एस। कितना हो जाएगा ये फॉर्मूला, अंत त्रिज्या रहेगा तो कितना हो जाएगा आपका डेल्टा वाई एस। डेल्टा क्या है, तो डेल्टा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा क्या है, तो डेल्टा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस क्या है, तो एस है सेमी पेरिमीटर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका फोर नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका एक आपका क्या है, आपका ट्रायंगल है, एक क्या है आपका ट्रायंगल है। अब ये जो होगा सर्कल कहां से बनाएगा आपका, बाहर से बना सकता है, कहां से बनाएगा आपका बाहर से बनाएगा। और इसका आपसे क्या पूछेगा, इसका रेडियस पूछेगा, किसका रेडियस पूछेगा, इसका रेडियस। तो ये हो गया अंत त्रिज्या, तो क्या हो गया आपका बाह्य त्रिज्या है कि नहीं, यानी उसको हम क्या बोलेंगे बाह्य त्रिज्या। यानी क्या हो जाएगा एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेडियस होगा, इसको आर बड़ा वाला आर से डिनोट करेंगे। ये क्या हो जाएगा ए बी सी, अब क्या होता है फॉर्मूला फोर डेल्टा, क्या होता है ए बी सी, अब क्या हो जाएगा आपका फोर डेल्टा। ये समझिए कि नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत। ध्यान रखिएगा कि जब मेरा स्केलर ट्रायंगल होगा तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि सारा साइड जो होगा वो क्या होगा आपका सेम नहीं होना चाहिए, सारा अलग अलग होगा। फिर अगला में क्या होगा कि जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, सब अलग अलग होंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। इसका आपका क्षेत्रफल, अब जनरली आपका अगर हाइट नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला से लगाएंगे रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। फिर मेरा क्या है आपका एस हो गया सेमी पेरीमीटर, मतलब एस बराबर क्या हो जाएगा, तो एस बराबर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से मेरा अर्ध परिमाप बोलता है तो अर्ध परिमाप हम निकालने के लिए इसका हिंदी हो गया सबको जोड़ के दो से, इसमें दो क्वेश्चन आएगा क्या रहेगा एक अंत त्रिज्या रहेगा। तो आर बराबर क्या होता है डेल्टा बाई एस, और आर बराबर क्या हो जाएगा ए बी सी बाई क्या हो जाएगा फोर डेल्टा होगा कि नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत। तब इसको हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्या देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया जा सकता है, पहला जो क्वेश्चन देखेंगे कि आपका हो सकता है कि साइड दिया रहे, क्या दिया जा सकता है आपका साइड दिया जा सकता है, और आपसे क्या पूछेगा आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछेगा, पूछ सकता है कि नहीं यहाँ से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि सर एक त्रिभुज है, क्या आपका एक त्रिभुज, एक त्रिभुज लिख लीजिए तब तक, एक त्रिभुज जिसकी, एक त्रिभुज जिसकी जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं 15 मीटर, कितना मीटर 16 मीटर, और 17 मीटर 17 मीटर है। त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या कहेगा आपका क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या करने के लिए कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन है ये हो गया पहला क्वेश्चन, सेकेंड जो क्वेश्चन है यदि यदि एक त्रिभुज यदि एक त्रिभुज यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर है और इसके 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 आधार इसके आधार इसके आधार तथा आधार तथा ऊंचाई आधार तथा ऊंचाई का अनुपात
आधार तथा ऊंचाई का अनुपात, आधार तथा ऊंचाई का अनुपात 4:5 है। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात करें, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। देख लीजिए, अब यहां से समझ लीजिए, उसके बाद अपना लिखिएगा। देखिए क्या कह रहा है पहला में आपका, पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितना है, 15, 16 और 17 है। तो मान लेते हैं पहला का सॉल्यूशन यहां कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला का सॉल्यूशन है क्या दिया है, मेरा त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज है। ये मेरा ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया और सी। इसके सामने ये ए होता है, इसके सामने ये बी होता है और ये क्या होता है, सी। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है, 15। बी बराबर कितना हो गया आपका, 16। और सी बराबर कितना है, 17। तो देखिए कहीं भी हाइट आपका दिया हुआ है, हाइट है। जब हाइट नहीं है तो आप ही सोचिए क्या ये फॉर्मूला लगेगा, 1/2 बेस इनटू हाइट वाला, कौन सा लगेगा आपका, डायरेक्ट ये लगेगा। तो सबसे पहले बेस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से एस बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी में कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15। बी का वैल्यू कितना है आपका, 16। और सी का वैल्यू कितना है, 17। अब भाई क्या हो जाएगा, 2। ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 5, 11। और 7 कितना हो जाएगा आपका, यानी 8 हो गया, 18। और 3 और 48 भाई कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना हो गया आपका, 24 आ गया। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो यही फॉर्मूला लगेगा, लगेगा। तो क्या होता है, रूट अंडर एस, एस माइनस क्या हो जाता है, ए। एस माइनस क्या हो जाता है, बी। और एस माइनस क्या हो जाता है, सी हो जाता है कि नहीं आपका। अब यहाँ से देखिए आपका एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 है। फिर आपका क्या कर देना है, एस माइनस ए, यानी क्या हो जाएगा आपका, 24 माइनस ए, 24 माइनस क्या हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। फिर अगला कितना हो जाएगा आपका, 24 माइनस बी, अब बी का वैल्यू कितना है आपका, 16 है। फिर क्या हो जाएगा, 24 माइनस क्या हो जाएगा आपका, 17 होगा कि नहीं। यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा कि नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत, रुक जाइए। सेकंड नंबर का देखते हैं आपका, सेकंड नंबर में हमको क्या कह रहा है, कह रहा है सर कि यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 250 है, पहले दे चुका है, यानी क्षेत्रफल 250 है। और इसके आधार तथा ऊंचाई आप कौन सा फॉर्मूला से बनाइएगा, इस फॉर्मूला से बनाइएगा। आधार तथा क्या है आपका, ऊंचाई। तो आपका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल आपका हो गया 1/2 आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई। तो इसका रेशियो में दिया हुआ है, तो कितना आपका रेशियो है, रेशियो आपका बी इंटू आधार इंटू क्या है, ऊंचाई। यानी यहां से क्या दिया है आपका, आधार क्या दिया है, आधार इंटू क्या हो गया आपका, ऊंचाई है। आधार इंटू क्या हो गया, ऊंचाई। कितना दिया है आपका, 4:5। तो आधार जब अलग करेंगे तो मेरा कितना x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और इसका ऊंचाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, जो ऊंचाई हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, 5x होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 250 है, 1/2 आधार यानी b कितना है आपका, 4x है। ऊंचाई कितना है आपका, 5x हो गया कि नहीं। अब ये कितना बार में जाएगा, दो बार में जाएगा कि नहीं। तो कितना हो गया आपका, 250, और कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0 से 0 गया, तो इधर से आएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 होगा, समझ गए। हमको निकालना क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ऊंचाई कितना है, 5x, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, तो यहाँ पर रख देंगे तो 5 × 5 कितना हो गया, 25 हो गया कि नहीं, 25 सेंटीमीटर होगा, 25 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है तो क्या हो जाएगा, मीटर। कोई दिक्कत है, लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
ऊंचाई मीटर स्क्वायर थोड़ी होता है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है। समझ गए? कोई दिक्कत तो लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा। क्या चीज? परफेक्ट स्क्वायर नहीं बैठा, बाहर नहीं बैठेगा परफेक्ट स्क्वायर। 12096 हाँ, जो भी आएगा इधर से मिटा देना। नहीं सर, इसको मिटाया नहीं। नहीं, जल्दी सुनिए,